सिटी न्यूज झारखंड व पाए झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। प्रखंड क्षेत्र के बुरमा स्थित एसडीएम आवासीय विद्यालय का 8वां स्थापना दिवस रविवार को विद्यालय परिसर में बड़े धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री साइंटक अध्यक्ष के एन त्रिपाठी ने विद्या की देवी माँ सरस्वती के चित्र पर पुष्पांजलि व दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के निदेशक विनोद यादव कर रहे थे। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। वहीं कई प्रतिभावान बच्चों को इस अवसर पर पुरस्कृत किया गया। वहीं पलामू के उभरते हुए लोक गायक मिंटू लाल भोजपुरी और उनकी संगीत मंडी ने उपस्थित लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री त्रिपाठी ने कहा कि सुदूर क्षेत्र में इस तरह का विद्यालय का होना बड़े गर्व की बात है। यहाँ के बच्चे काफी प्रतिभावान हैं। देखते देखते इस विद्यालय में 8 वर्षों का सफर तय कर लिया गया है, अभी लंबा सफर तय करना है। साथ ही उन्होंने मंच से उपस्थित लोगों से अपना परिचय में भारत हूँ कहकर देने की अपील की। भाजपा जिला प्रदेश उपाध्यक्ष अवधेश सिंह चेरो ने अपने संबोधन में कहा कि ये विद्यालय गरीब के लिए सहायक है। कम खर्च में बेहतर परिणाम और सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। मुरमा जैसे ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का विद्यालय होना बड़ी बात है। मौके पर प्रधानाध्यापक दिनेश यादव, निर्देशक विनोद यादव, स्कूल के शिक्षक ओम प्रकाश पांडे, दीक्षा मैम, अनुप्रिया कुमारी, दिलीप यादव, जीप सदस्य सुधा कुमारी, जिला परिषद मनिका बलवंत, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री अवधेश सिंह चेरो, दिनेश यादव, आलमगीर आलम, आशीष सिन्हा, अजय उराव, गुड्डू सिंह, अभिमन्यु तिवारी, गुड्डू शुक्ला, शंभू यादव, ब्रह्मदेव सिंह, संजय कुमार सहित सैकड़ों अभिभावक व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। जो वाराणसी उनके जन्म स्थान से प्रारंभ हुआ था और पूरे भारत जाति प्रथा के विरुद्ध एक आवाज उठी थी, आज वही दिन और वही दिन प्रारंभ हुआ है। मैं देख करके बहुत हतप्रभ हूं और दिनेश यादव जी को बहुत ढेर सारी शुभकामना देता हूं कि हमारे इन सुदूर गांव में, पहाड़ के तलहटी में, डैम के बगल में, जहां शिक्षा का इतना अभाव है, हमारे बच्चे गरीब परिवार के बच्चे और इतना अच्छा नृत्य और कला में इनको शिक्षा दी जा रही है, निसंदेह इनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मविश्वास का संचार होगा।